नमस्कार प्रणाम स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे दोस्तों। तो आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों एक अच्छा से रेसिपी दोस्तों। वो भी बहुत पुराना रेसिपी है दोस्तों, आप लोग भी कभी। और अभी पूस के महीना है दोस्तों, तो पूस में पीठा खाना चाहिए और बहुत ही टेस्टी बनते है दोस्तों। तो हम कुछ अलग टाइप में बनाएंगे। अलग क्या दोस्तों, पीठा थोड़ा हम लोग बनाएंगे। जो पीठे होंगे दोस्तों दूध में बॉइल होंगे और का चीज के रहेंगे मावा घर पे हम मारे हैं दोस्तों खोया, जो आप लोग देख वीडियो में आप लोग देखने को मिलेगा। यही दोस्तों घर पे मावा मार के बनाएंगे जो काफी अच्छा लगेगा और मार्केट जैसे भी नहीं लगे दोस्तों। और उसमें नारियल वगैरह सब कुछ देंगे आप लोग। मतलब आपको जैसे भी बनेगा आप देखिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा वीडियो दोस्तों। बहुत ही अच्छा बनने वाला, बहुत ही टेस्टी बनेगा, दूध पिट्ठा रहेगा दोस्तों। तो अभी तो सारा सामान हम लोग लेके आते हैं, यहाँ यही पर बनेगा। मतलब चूल्हा पे बनाएंगे ना दोस्तों, तो काफी टेस्टी लगेगा। चूल्हा का कोई भी चीज ना आपको पता ही दोस्तों, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलते हैं, सारा सामान लेके आते हैं यहाँ पास। तो नारियल लेके आ गए, बाकी आधा सारा सामान लेके आ गए हैं। और नारियल को हम सबसे पहले ये देखिए हमारा थोड़ा सा काजू दे देंगे दोस्तों, जो हमारे पास दे दीजिए। और ये हमारा घर का मावा है दोस्तों, जो हमने मारा है घर पे ही बनाया दोस्तों, घर पे हम बनाए दोस्तों। तो आगे सिल लोढ़ी लेके आते हैं, उसमें फोड़ेंगे हमारा गोला नारियल को दोस्तों। इसलिए दोस्तों नारियल फोड़ लेते हैं, मतलब आगे पानी निकाल लेते हैं, तो पानी क्यों बर्बाद होगा, पी जाएंगे हम। ये देखिए हम पियेंगे पानी ना, कोई पीजिएगा, इतना सारा पानी। अच्छा नारियल अंदर से तो मस्त हो, नारियल पानी अच्छा निकला है, बहुत सारे कुछ इसमें सही में बहुत क्या डालेंगे दोस्तों, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। पहले इसे पहले नारियल को कद्दूकस करना है ना नंदनी। हाँ, ये देखिए नारियल हमारा कितना अच्छा से फ्रेश भी एकदम। चलिए इसको पानी को आगे हम पी जाते हैं। नहीं हम पियेंगे, हम थोड़ा सा ठीक है। दीजिए दीजिए थोड़ा बोल के देखिए दोस्तों, कितना पी गई नंदनी। मीठा लगा पानी एकदम, इसको अच्छे इतना चक्कर को ये निकल जा रहे हैं। तो निकल भी जा रहा, चलिए इसको कद्दूकस करेंगे। तो फोड़ लिए नारियल दोस्तों, तब इसको कद्दूकस करेंगे। ये हमारे पास तो इतना छोटा सा है दोस्तों, इसी से काम चलाना होगा। जो भी होगा हाँ हो जा रहा है, अच्छा हो रहा है, बड़ा मेहनत हो रहा है। बस कद्दूकस थोड़ा बढ़िया से दोस्तों, नारियल भी थोड़ा अच्छा है, खाइएगा नारियल दोस्तों, मोटा भी नहीं है। पूरा नारियल को कद्दूकस कर लेते हैं दोस्तों, फिर आपसे मिलते हैं हम लोगों। अरे पिठा बनाने के लिए क्या चाहिए, तो हम एक दो आइटम का पिठा बनाने वाले, एक दूध पिठा और एक पानी पिठा दोस्तों। तो दूध पिठा में क्या क्या डलाएगा हम जो आपको बताएंगे। तो देख सकते हैं नारियल को हम कद्दूकस कर लिए हैं, और ये है काजू है दोस्तों, कुछ हम इसको भी हम ना टुकड़ा टुकड़ा कर लिया है। और ये हमारा बना हुआ घर का है दोस्तों मावा है, इसको भी हम अच्छी तरह से तोड़ लेंगे। देखिए फ्रिज में रख दिए थे ना, तो एकदम टाइट हो गया था, फिर हम इसको अच्छा तरह से फोड़ लिए, तो देखिए कितना अच्छा सा हमारा टूट टूट जा रहा है। देखिए मावा, इसका मावा भी बोलते हैं और खोया भी बोलते हैं दोस्तों। ये देखिए इस तरह से मिसमिस के हम डाल लेंगे, देखिए बारीक हो गया है। और इसमें हम चीनी देख सकते हैं, देखते हैं कितना भी पड़ेगा दोस्तों, वो अपने हिसाब से देना है। ये सारा दे देते हैं हम, सारा पड़ जाएगा, ज़्यादा भी नहीं लिए हैं। देखिए इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, इसको अच्छी तरह से मिलाना है, चीनी और सभी को जितना मिला हुआ है दोस्तों। देख सकते हैं देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इसमें पानी उनी कुछ भी नहीं डालना है, तो ये खुद ही पिघलता है ना चीनी, अभी पिघलेगा तो टाइम लगेगा इसको। ये देखिए चलिए, तो ये खोया पिठा बनाने के लिए सारा चीज़ हम मटेरियल जो भी था सारा मिला दिए दोस्तों। तो इसको हम साइड में करके रख देते हैं, फिर हम चूल्हा जला लेते हैं दोस्तों, फिर इसका व्यवस्था होगा दोस्तों, बादाम और गुड़ वाला बनाएंगे दोस्तों। तो हमारा चूल्हा लग गया है दोस्तों, देख लीजिए अब बनेगा हमारा दूध पिठा दोस्तों। उसके लिए पहले नंदनी क्या करेगी,
आगे गर्म पानी करेंगे दोस्तों और बादाम को भूंजेंगे। पहले बादाम को भूंज लो, सबसे पहले बादाम भूंज लेंगे फिर अपना काम होगा दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, कढ़ाई में लेवल लगा के हम जल्दी से चढ़ा भी दिए दोस्तों। और अभी बादाम डाल रही है नंदिनी, इसको भूंज लेगी। बादाम को भूंज लेंगे हम। काफी शाम हो गया है दोस्तों, कोई गारंटी नहीं नंदिनी का, अगर बनते बनते रात भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। शाम को ही बनाने बैठे हम, क्योंकि उधर काम हो रहा था ना दोस्तों, तो उधर भी ध्यान था हम लोगों का, इसलिए नहीं बनाया। अभी तो बनेगा, देखिए जो होगा। देखिए ना, पैप से दिए मेरे को फूकने वाला। तो तुम फूक रही थी तो हो नहीं रहा था दोस्तों, पूरा मुँह का झोसा ले रही थी, तो अभी इसको दिए दूर से तो फूकेगी। और उधर बादाम दीजिए तो उसको भूज भी देते उसको भी। पहला पतीला में अभी पानी गर्म होगा, अभी लाने के जा रहे हैं पानी के लिए, क्योंकि आज हमारा खाली ना जाए, इसीलिए दोस्तों पहले पानी गर्म कर लेते हम लोगों। देखिए नंदिनी फूक रही है। नहीं फूक पा रही है दोस्तों नंदिनी, देखो ऐसे फूकना है कि हम फूकेंगे ना दोस्तों एक बार में लग जाएगा। हम फूकने दो, अब लग गया ना। या ये पाइप तो यही है दोस्तों, थोड़ा बहुत सुविधा होगा हम लोगों को। चलिए बेटा आप पानी लेके आइए, लेके चलते हैं। थोड़ा भींग गया ना इधर, इधर दीजिए गुल्लू को लेके जाओ, बाहर जाओ दो पानी दो। बस 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 चलिए। तो चले दोस्तों, गर्म पानी बैठा दिए हैं और गर्म पानी में ही हमारा आटा सनाएगा दोस्तों। तो देख सकते हैं ये अरवा चावल का गुंडी है दोस्तों, मतलब अरवा चावल को पीस दिए हैं। मतलब गांव से आए मम्मी, मतलब गई थी ना तो लेके आई थी, तो हम बोले मम्मी बोली कि तुम ले लो, तो हम इसलिए लेके आए दोस्तों। तो इसी का बनेगा, अभी नया धान का भी चावल है ना दोस्तों, तो वही मीठा लगेगा भी ये चावल का पीठा। चलिए इसको निकाल लेते हैं हम, जितना हमको बनाना है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा पानी गर्म हो गया, तब लेके हम सानेंगे दोस्तों। ये देखिए गर्म गर्म पानी में इस तरह से हाथ बचा बचा के दोस्तों आप सानिएगा, हम तो अपना हाथ बचा के सान रहे हैं। ये देखिए इसी तरह से हमको पूरा आटा को सानना है दोस्तों। हमारा आटा सना गया है और छोटे छोटे लोई बनाना है, देख सकते हैं इस तरह से लोई, और इसमें अब हमको भरना है दोस्तों। ये देखिए इस तरह से, ज़्यादा भी मत भरिएगा नहीं तो फट फट जाएगा। इसको ऐसे ऐसे करके, ये देखिए इस तरह से, देखिए हो गया दोस्तों। ये देखिए इसको निकाल के ऐसे ऐसे करके, ये देखिए हमारा पिट्ठा, ये देखिए बन गया है दोस्तों हमारा दूध पिट्ठा। अब इसको हम दूध में उबालेंगे दोस्तों। तो आगे हम सारे ऐसे बना बना के रख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम दूध उबालेंगे दोस्तों। सकते हैं दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया दोस्तों, ये सब करने में ना काफ़ी टाइम लग ही जाता है, और हम अभी बना रहे दोस्तों। तो आप जैसे भी बना सकते हैं, आपका ऊपर है दोस्तों। तो हम जैसे जैसे मन किया और उससे हम शेप देते गए दोस्तों। तो ये वाला शेप है ना, इसको ऐसे से करके, मतलब ऐसे से करके चिपका दिए, देखिए ऐसे से करके, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, इससे भी ना अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है दोस्तों। मच्छर भी ना काफ़ी यहाँ पे, रात हो गया ना तो मच्छर काफ़ी बोलता है। तो इसी तरह से हमको सारा बनाना है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं इतना सारा पिट्ठा हमारा गोल हो गया है, तो बन गया है। अब चलते हैं हम दूध डालने के, नंदिनी अपना इधर कर रही है दोस्तों, इधर दूध डाल देंगे ना, तब तक दूध गर्म होगा, दूध और हल्का से पानी रहने देंगे दोस्तों, ज़्यादा दूध नहीं दे पाएंगे ना। चलिए दोस्तों हम इधर अपना काम करते हैं, पानी गर्म है इसी में दूध डालना है। एक किलो दूध लाया है हमारा, एक किलो दूध है दोस्तों, इसको डाल देते हैं इसमें। तो चलिए ये अपना दूध डालते हैं। कैंची चाकू है, चाकू बोलो जी, चाकू दीजिए, ये देखिए चाकू। चलिए दोस्तों अपना दूध, ये बेटा मत पकड़ो,
कितना अच्छा लग रहा है, मन कर रहा हम अभी खाओ। खा जाओ अभी बना, अभी जब तक दूध में डलाएगा ना दोस्तों, दूध में जब डला जाएगा ना बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों, तो दूध इसीलिए तो दूध में बनेगा पिट्ठा हमारा। दोस्तों इतना दूध दे दिए हैं, अभी इधर मतलब पूरा कर देना है। हाँ जो भर आएगा, अभी ज्यादा नहीं है, उतना हो गया दूध, पिट्ठा इतनी बनाएंगे तो जितना दूध भी रहना चाहिए ना उतना। दूध तो इतनी है दोस्तों हमारा, चलिए दूध हमारा गर्म हो रहा है दोस्तों, पिट्ठा भी जल्दी जल्दी नंदनी तैयार कर रही है। ना चीनी आगे दे देंगे, चीनी आगे हल्का मीठा रहेगा ना, क्यों ये पिट्ठा तो सादा रहेगा, इसमें अंदर में भरा हुआ है मावा तो दूध के साथ, तो अभी इसको हल्का से मिला लेते हैं दोस्तों कि हमारा चीनी ना चारों पट्टी मिल जाए, दूध में घुल जाए अच्छी तरह से। ये देखिए अब हम अपना पिठा को नाएंगे दोस्तों, लग रहा है ना कि हम खा ले गप गप, इतना छोटा छोटा साइज में ना दोस्तों कि आपको मुंह में आराम से घुस जाएगा ये। तो चलिए इसको हम देते हैं दोस्तों। एक तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा दूध उबल गया है, कितना अच्छी तरह से देख सकते हैं, चीनी भी गल गया है। अब हम अपना पिठा देंगे दोस्तों, ये देखिए गोल गोल, ये देखिए इसी तरह से हमको पिठा देना है दोस्तों, एक एक टो करके देना, नहीं तो ऐसा चपटा हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए उबलने भी लगा है दोस्तों, और अंदर का ना है चला देंगे ऐसे करके, देखिए कि हमारा बैठे नहीं। इसी तरह से हम सारा पिठा में पिठा डाल देंगे एक एक करके दूध में, तो देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा हमारा दे दिया है। इसी में हमारा सीझेगा दोस्तों धीमे धीमे आँच पे, और तब तक के लिए हमारा बादाम और गुड़ वाला जो बनाएंगे वो पानी पिठा रहेगा दोस्तों। ये है दूध पिठा और एक बनाएंगे पानी पिठा, ये तो और भी स्वादिष्ट रहता है दोस्तों खाने में, क्योंकि दूध में उबाला गया है, दूध का मखाना है दोस्तों, सारा चीज़ दूध का मटेरियल है, तो ये ज़्यादा टेस्ट लगेगा दोस्तों। तो चलिए इसको भी ढक के पकाते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा पिट्ठा बन गया है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं देखिए कितना अच्छा सीझ गया है दोस्तों। इसको चेक कुछ नहीं करना है हमारा, देखिए दूध भी कितना गाढ़ा हो गया है, तब इसको हम उतार देते हैं दोस्तों, उतार कर रख देते हैं साइड में कर लेते, तो हल्का से 5 मिनट हल्का ठंडा होने देते हैं कि खाने में और भी अच्छा लगेगा दोस्तों। तो ब्लॉग पर बने रहे। 1, 2, 3, 4 तो फ्रेंड हम ना अपना बाबू को अपना पिट्ठा से पैर सेक रहे, आगे साल भी सेके थे और इस साल भी, कि गुल्लू का पैर नहीं फटेगा, जैसे कितने लोग का ना पैर फट जाते हैं, तो बड़े बुजुर्ग को कहना है कि सेकने से पैर नहीं फटते। तो हम 5 गो ना लोहिया करके उसको उबाल लिए थे दोस्तों गर्म पानी में, इसको हम सेक रहे हैं, और बोले थे कि हम और भी पिट्ठा बनाएंगे, मतलब काफी रात हो गया ना तो इसलिए नहीं बना पा रहे, तो बोले अब नेक्स्ट बार में उसका ब्लॉक आएगा दोस्तों, इस आगे दूध पिट्ठी का आप लोग ट्राई कीजिए कि कैसा बना है स्वाद में। तो आगे गुल्लू का पैर सेकेंगे, आप लोग का भी पास छोटा बच्चा ना दोस्तों, तो आप लोग भी कर दीजिए, हां सुन रहा है ना गुल्लू, ऐसे सेकेंगे देखिए ये देखिए, अरे गुल्लू का पैर नहीं है, गुल्लू का पैर कल की तक कुछ बोला, पैर तो सेका गया, ये पिट्ठा बच्चा, तो हम इसको क्या करें, ये मौसी को खाने का नेक रहता है दोस्तों, अंजलि खाएगी अभी, खा अंजलि भाग, गुल्लू का पैर रसमलाई जैसा दिख रहा है, देरी बाबा गुल्लू गुल्लू खाने के लिए कैसे कर रहा है, ये देखिए इसके अंदर मावा है ना जो, ये देखिए कितना अच्छा मावा है दोस्तों, बड़ा मछुआ है ये देखिए मावा है दोस्तों, काफी अच्छा लगेगा, तो आगे आप लोग ट्राई कर लीजिए दोस्तों, उसके बाद गुल्लू को नहीं उधर से मत दो, गरम होगा, नहीं ये गरम देखिए ना, देखिए आ मेरे बाल पूरा कस के पकड़ ले, नहीं ये गरम तो दो वाला उधर लग गुल्लू को, वो देखिए कैसे, नहीं बेटा हाथ नहीं लगाते, गरम है बेटा, गरम जोर से, गरम है बेटा, गर्म ही है, चलिए गुल्लू को दो पहले, वो मांग रहा है तभी से मेरा को देने को परेशान है, चलिए आप ट्राई करके खाएगा तो देखिए कैसा लग रहा है, अंजलि पता नहीं अंजलि भाग गई दोस्तों, उसको भी बोले दूध पिट्ठी पहली बार बनाया दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनाया, ए अंजलि जी चिल्ला रही, बोलते अंजलि
अंजलि देखो गुल्लू बुला रहा है, बुला बुला अंजलि, बुला अंजलि। इसका देखो क्या हो गया, गुल्लू का नेचर पूछ दो, बहुत देर नोजी हो गया तो काफी अच्छा लग रहा है टेस्ट खाने में। सबको टेस्ट करा रही, नंदनी परेशान हो रही है दोस्तों। टेस्ट करके देखो कैसा बना दोस्तों, फिर अंजलि भी बोलेगी ना हाँ दीदी सच में अच्छा बना। गुल्लू ने कोई कसर नहीं छोड़ता दोस्तों, पूरा बहुत काम बिगाड़ू बच्चा बहुत है, इतना खाता नहीं उतना गिराता है, एक चम्मच खाया बस हो गया इसका ड्रामा शुरू। तो बस दोस्तों अभी हम लोग भी खा पी के फिर सो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों।